प्यार बांटने वाले लोग, समाज में मिठास बोलने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, और जो लोग शांति प्यार अमन चैन चाहते हैं या जहां होता है वही राज्य और देश जो है विकसित करता है। समाज के समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि आपके साथ चाहे सुख हो दुख हो हम आपके साथ खड़े। कोई गड़बड़ करना चाहेगा आपके समाज के साथ, कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं। इस तरह के कार्यक्रम जो है होते रहना चाहिए, इससे समाज में एकता की बात आती है, मजबूती की बात आती है। अपनी बातों को, अपनी मांगों को, समाज की समस्याओं को सरकार के सामने आप लोग रख सकते हैं और एकता में एक शक्ति। और अभी रामेश्वर जी कह रहे थे कि आप लोग तो प्यार बांटने वाले लोग हैं, समाज में मिठास बोलने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, तो इससे कोई हमारी अलग राय नहीं, हमारी भी राय वही। और जो लोग शांति प्यार अमन चैन चाहते हैं या जहां होता है वही राज्य और देश जो है विकसित करता है। जहां एकता होती तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था देयर इज पीस देयर इज प्रॉस्पेरिटी। जहां अमन चैन है वहां विकास है। इसलिए आप सब लोगों ने आज के कार्यक्रम में इतनी गर्मी में ग्रामीण इलाकों से और कई चौरसिया समाज के बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं। आज वैशाली आदिपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है। और आप सब लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद से दिया है हम आपके समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि आपके साथ चाहे सुख हो दुख हो हम आपके साथ खड़े। आपका समाज आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े और जो योगदान देना पड़ेगा आपके समाज को बढ़ाने में वो योगदान जो हमारा प्रयास रहेगा कि आपका समर्थन और साथ देते रहे ताकि आपका समाज आगे बढ़े। और यही नहीं, अगर कहीं भी बिहार में कोई गड़बड़ करना चाहेगा आपके समाज के साथ, कोई गलत काम करना चाहेगा तो उसको हम लोग छोड़ने का काम नहीं। आप लोगों के प्रति सम्मान है और आप लोग जानते ही हैं, अभी बताया ही क्या, पिछले बार देव कुमार चौरसिया जी को हाजीपुर से हम लोगों ने टिकट दिया था, लगभग जीत ही गए थे, थोड़ा सा मार्जिन रह गया, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। प्रवक्ता से भी हम लोगों ने टिकट दी क्योंकि मेरा मानना है कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल पर टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादवों। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग नए लोग हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब तक सभी लोगों को साथ लेकर के ना चले तो हम उसमें सफल रहेंगे। हम बार बार कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो एक यूजेंट की पार्टी है और आप लोगों ने जो साथ दिया पिछले चुनाव में, पहले ही प्रवक्ता का भी मार्जिन जो था बहुत ही कम वोट सहारा था, लगभग 1500 के आसपास, 800-700, तो सब जानते हैं कहे गए गड़बड़ाया लेकिन फिर भी जो आपके रिजल्ट है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। खैर जो भी है, अगर गड़बड़ाता नहीं तो आपका कम से कम एक सदन में सदस्य तो जरूर होता और थोड़ा थोड़ा और मेहनत करेंगे बाकी का भी भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। हम सब लोग जो है साथ लेकर के, और उस समय चुनाव से पहले तो हम लोग विपक्ष में,
चुनाव के बाद भी डेढ़ दो साल विपक्ष में, लेकिन यही प्रांगण में, इसी प्रांगण में देश पर सदस्य जिला मिलन समारोह था, उन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमारे समाज के लिए वहां की खेती भी जो महंगा खेती होता है तुरंत नष्ट हो जाता है, किसानों के उधार ज्यादा रहता है, बड़ा लोग परेशान रहता है। अभी सरकार बनने के बाद ही हमारे कृषि मंत्री से बात की, हमने कहा कि भाई कम से कम प्रोसेस समाज के लिए एक सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस पान की खेती को लेकर के होना चाहिए। तो अब वो फैसला हुआ है कि बेगूपुर के इलाके में उसको जो है खोला जाएगा, उसकी जो लागत आएगी 40 करोड़ की लागत आएगी। तो 40 करोड़ की लागत से पान की खेती और आप लोगों का उज्जवल भविष्य को देखते हम लोग ये काम कर रहे हैं। बाकी और जो भी छोटी मोटी बातें होंगी उस चीज को हम लोग जो है समय रहते हुए प्रयास करेंगे कि दूर कर दें, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग आपका समाज दो कदम चलेगा तो हम साथ चार कदम चलेंगे। बिहार से बाहर से लोग आए हैं आपके समाज के, उन सबका बिहार के धरती पर स्वागत करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, देव कुमार को रशिया जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।